हेलो स्टूडेंट, कल हमने आप लोगों को रिफ्लेक्शन थ्रू द एस्फेरिकल मिरर के बारे में बताया था। द वेरियस टर्म्स आर यूज इन एस्फेरिकल मिरर, उसके बारे में हमने बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक है? फोकस किसे कहते हैं? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द रिफ्लेक्टेड रे मीट रियली और सीम टू बी मीट व्हेन the ray incident parallelly incident on the spherical mirror parallelly to the principal axis. Called principal focus. The point on the principal axis at which all the reflected ray meet or seem to be meet, when the ray incident on a spherical mirror parallel to the principal axis is called principal focus. आइए देखते हैं। This is your concave mirror. Concave spherical mirror. This is the midpoint, that is the pole. Here, this is the center of curvature, and this is the principal axis which passes through the. Suppose that the ray parallel to the principal axis incident on the mirror. After reflection, all the reflected rays meet really this point is called focus. ठीक है, ये सभी जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर मिलती हैं, जहां पर मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिंदु पर मिलती हैं, जिसे हम फोकस कहते हैं। अब यदि हम देखें
This is your convex mirror. This is the convex spherical mirror. This is your center of curvature. This is the pole. ठीक है, अब इसके पैरेलल में एक रेज इंसिडेंट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रेज क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में चली जाती है, फिर उसी तरह ये भी रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में चली गई, ये रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में चली जाती है, इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन के बाद द रिफ्लेक्टेड गो ऑन द डिफरेंट डायरेक्शन, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है, लेकिन इफ यू प्रोड्यूस बिहाइंड इट, यदि इन्हें हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ऑल द प्रोड्यूस बिहाइंड रे मीट एट द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है, कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस टुवार्ड्स द रिफ्लेक्टर है ना, फोकस लाई है ना टुवार्ड्स द रिफ्लेक्टर, इसमें क्या होता है, फोकस लाई है ना अपोजिट टू द रिफ्लेक्टर। इसमें रिफ्लेक्टर के है ना पीछे यानी मिरर के पीछे फोकस होता है और इसमें मिरर के ठीक सामने फोकस होता है, दोनों में फर्क है। ठीक है, दिस मिरर कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर है ना, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द रिफ्लेक्टेड रे एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, है ना। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर is also called diverging mirror because it diverges all the reflected रेज। ठीक है ना, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज इन डिफरेंट डायरेक्शन। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि
या रिफ्लेक्टेड रे को जो है ना डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब स्प्रेड, छितरा देना, है ना। तो यह जो है अलग अलग दिशाओं में क्या कर देता है, छितरा देता है, यानी कि फैला देता है। जबकि कनकेव मिरर में है ना ये सभी रिफ्लेक्टेड रे एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, जबकि कन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता। तो कन्वेक्स मिरर में फोकस रिफ्लेक्टर के अपोजिट होता है और कनकेव में फोकस रिफ्लेक्टर के ठीक सामने होता है। यही डिफरेंसेज है दोनों में देखें, ठीक है। क्यों इसे डाइवर्जिंग कहते हैं और क्यों इसे कन्वर्जिंग कहते हैं, इज इट क्लियर, ठीक है। अब आइए देखते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन क्या है। साइन ऑफ कन्वेंशन किसे कहते हैं, साइन ऑफ कन्वेंशन मतलब जो डिस्टेंसेज हम मेजर करते हैं उस मेजर डिस्टेंसेज की ना साइन क्या होगी, ना पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन। साइन ऑफ नंबर एक, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। सेकंड, द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड, द डिस्टेंसेज मेजर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे रे आर टेकन निगेटिव, ठीक है। एक होता है कार्टिजियन, कार्टिजियन साइन, the distances measured above the principal axis are taken positive, the distances measured below the principal axis are taken negative, ठीक है। The distances measured
right to the origin, are taken positive, the distances measured left to the origin are taken negative. ठीक है, अब जरा इसे हम समझे इन दोनों चीजों को फिगर पर हम समझे। फिगर देख के तब हम समझे। दिस इज ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर एंड दिस इज ए कॉनवेक्स मिरर। ये आपका पुल है, ये सपोज दैट फोकस है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि रे कोई इंसिडेंट कर रही है इस पर। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर चली गई और इसे पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस पर मिली, और ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद किधर मिली, फोकस पर। तो जितनी भी दूरी मेजर करते हैं कहां से, पोल से कहते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यदि इस पोल से इस तरफ हम मेजर करते हैं डिस्टेंस से, सपोज दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो हमारा नियम क्या कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल। चूंकि हम सेंटर से नहीं मेजर कर सकते हैं, कहां से मेजर करेंगे, पोल से। तो पोल से जब इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, फोकस की दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे, या किसी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो दूरी हम मेजर करेंगे ये सब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी पीएफ मेजर करें तो निगेटिव, पीसी मेजर करें तो निगेटिव, पीओ ऑब्जेक्ट करें, ऑब्जेक्ट का करें तो निगेटिव होगा। ठीक है, अब इसको इसमें देखें, मान लीजिए कि यहां कोई ऑब्जेक्ट है, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे जो है ये जो है रेज क्या है, लेफ्ट टू राइट है। तो हमको जो भी मेजर करना है पोल से मेजर करेंगे, तो पोल से मेजर करेंगे तो राइट में मेजर करेंगे, पीएफ मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, पीसी मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन पीओ मेजर करेंगे तो यह निगेटिव हो जाए, क्यों कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर कि डायरेक्शन में जब मेजर करते हैं तो डायरेक्शन में इधर मेजर किया हमने पीएफ पीसी, ये सब क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, और जब अपोजिट मेजर किए जैसे कि पोल से ऑब्जेक्ट का तो निगेटिव हो गया। यहां पोल से पीएफ, पोल से पीसी, पोल से ऑब्जेक्ट मेजर किया तो ये सारे क्या हो गए, निगेटिव। उसी तरह देखें कार्टेशियन सिस्टम में, आप बखूबी इसको समझते हैं, जैसे ये देखें दिस इज योर कॉनकेव, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर आप एक परपेंडिकुलर डालें
ठीक है। देख लें, तो ये एक्स एक्स डैश हुआ, ये वाई वाई डैश हुआ, तो ये बन गया हमारा ओरिजिन, यानी पोल जो है रिगार्डेड एज द ओरिजिन, रिगार्डेड एज ओरिजिन, पोल को हम जो है ओरिजिन की तरह रिगार्ड करेंगे। तो पोल से जब हम इधर मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, किसमें? कार्टिजियन में। यानी जब पोल से यानी कि ओरिजिन से हम इसको ओरिजिन मान लें तो ओरिजिन से राइट वार्ड जो है पॉजिटिव, और ऊपर की ओर मेजर करते हैं तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। यानी इसमें दोनों पॉजिटिव हो गए। इस सेक्शन में आए तो जो कार्टिजियन सिस्टम का हम लोग पढ़े हैं, है ना, क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, तो ठीक ओरिजिन से लेफ्ट मेजर करेंगे तो ये हो गया निगेटिव, और फिर ऊपर मेजर करेंगे तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। फिर इस क्वाड्रेंट में हम आए तो नीचे की ओर मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव, और लेफ्ट मेजर करेंगे तो ये भी हो गया हमारा निगेटिव। इसमें हमारा देखें तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। दिस इज अ कार्टिजियन, ये कार्टिजियन में हम करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे देखें हम आपको कन्वेक्स मिरर का हम दिखा दें, तो इस पर हम यदि एक परपेंडिकुलर डालें तो ये हमारा ओरिजिन कहलाएगा, ओरिजिन, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो सब कुछ वही रहेगा, साइन क्या होगा? सब कुछ वही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव। इसमें क्या हो गया? निगेटिव निगेटिव, ठीक है, और इसमें निगेटिव पॉजिटिव। तो ये हमारा कार्टिजियन साइन है कि जब ऊपर की ओर, यानी हम यहां पर एक एजम्पशन लेते हैं कि यहां पोल एक तरह से ओरिजिन हम मान लेते हैं, तब वैसी स्थिति में यह क्या होगा? ओरिजिन। ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव, राइट वार्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वार्ड निगेटिव। लेकिन यह ध्यान रखने की चीज है कि कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में जब भी इमेज राइट ना लेफ्ट बनता है, जब तक तब तक ये सारे साइन क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। ये सारे हम यहां से इधर मेजर करेंगे। केवल एक स्थिति आती है जब वर्चुअल इमेज बनता है, तब इसे राइट वार्ड मेजर करते हैं तो वह पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया ये कार्टिजियन सिस्टम में, है ना, साइन का अर्थ क्या होता है, ये क्लियर। आज आपने प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, है ना, डाइवर्जिंग किसे कहते हैं, कन्वर्जिंग किसे कहते हैं, साइन ऑफ कन्वेंशन क्या है, कार्टिजियन साइन क्या है, ये आपने इसे अच्छी तरह आज ने समझा, इसे ध्यान से आप देखेंगे। एंड वन थिंग इन द लास्ट, इफ यू carefully observe the video, then you get the clear concept of the Cartesian sign and the sign of convention, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको पर हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे, ठीक है। लास्ट में हम आपसे ये कहेंगे कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टुडे।